सुरेंद्रनगर जिला कलेक्टर कचेरी पर परप्रांतीय श्रमिकों करी रजूआत। 70 थी वधु श्रमिकों वतन परत मोकलवानी मांग करी, जेथी जिला कलेक्टर के राजेश तमाम ने जरूरी प्रक्रिया करी विनामूल्य वतन मोकलवानी खातरी आपी हती। भावनगर में चौकसाई पूर्वक लॉकडाउन पालन करी शकाय 120 मीटर की ऊंचाई पर कैमरा साथ बलून मुकमान है, तमाम परिस्थिति पर वॉच राखी रहा है। आ बलून में 5 मेगापिक्सल वाला कैमरा पर फिट कर। लॉकडाउन भंग कर युवती बे टिकटॉक वीडियो वायरल कर। अमदावाद ईसनपुर ब्रिज पर युवती लॉकडाउन भंग कर टिकटॉक वीडियो बनाव्यो। ईसनपुर पुलिस वायरल वीडियो की तपास शुरू करी। लॉकडाउन ना कारणे देशभर में मंदिरों बंद है, त्यारे देवभूमि द्वारका में मंदिर में 6-7 लोग दर्शन करने पहुंचा था। हाल मंदिर में पुजारी और फरज पर रहेला कर्मचारी ने ज प्रवेश मंजूरी है, त्यारे आ शख्सों सामे कार्यवाही करवामां आवशे के नहीं ते विषे लोगों में चर्चा जागी है। लॉकडाउन लाभ लईने रेती चोरी रेकेट ने नवसारी और तापी जिला खाणखनीज विभागे झड़ी पाड़ी है। नवसारी कुरेल गाम में छेल्ला एक महीना थी लीज धारक बदले अन्य ईसम द्वारा खनन थतु होवानी भूस्तर विभाग ने बाती मड़ी थी। बाती आधार दरोड़ा पड़ाता स्थल पर बे ट्रक, बे जेसीबी मशीन और 4 नावड़ी मड़ी आई है। संघ प्रदेश दमण में जता बलीठा मार्ग ग्रामजनों द्वारा बॉर्डर सील मारी दीवाई है। गाम लोग रस्तों सील करता विवाद वखरियो हतो। गामना लोगों कहेवुं छे के दमण प्रशासन मात्र ड्राइवर्स ने ज एंट्री आपी रहा है, त्यारे क्लीनर अहींया ज रहे छे अने गाम में फरे छे, जेथी संक्रमण फैलावानी शक्यताओ छे। आगामी 1-2 दिवस में राज्यभर अमूल पार्लर पर N95 मास्क मळता थई जशे। अमूल फेडरेशने आंगे खातरी आपी छे। राज्य सरकार ने विनंती थी अमूल समग्र राज्य अमूल पार्लर पर मास्क नु वेचाण करशे। N95 मास्क और 3 लेयर मास्क नहीं नफो ने नुकसान विवरणे वेचवामां आवशे। राज्य में सौथी पहला अमदावाद खाते N95 मास्क जत्थो पहुंचाड़वानो टार्गेट छे। अमदावाद बाद सूरत, वडोदरा, राजकोट और महेसाणा खाते मास्क पहुंचाड़ी देवाशे। कोरोना वायरस नुं वधतुं संक्रमण अटकाववा आ निर्णय लेवायो छे। कच्छ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत अनेक गाम की महिलाओं ने लॉकडाउन दरमियान रोजगार आपवानो प्रयत्न। कच्छ में 600 वधु ग्राम पंचायत में सखी मंडल ने मास्क बनावानु काम सौंपायु। महिलाओं अत्यार सुधी में 9 लाख की वधु मास्क तैयार करी छे। सुरेन्द्रनगर में विविध पाक की टेकाना भावे खरीदी शुरू कराई। मार्केटिंग यार्ड में घऊं, बाजरी, एरंडो, रायडी, जुवार और चना सहित जणस की टेकाना भावे खरीदी शुरू कराई है। लांबा समयगाळा बाद टेकाना भावे खरीदी शुरू थता खेडूतों में पण खुशी नो माहोल जोवा मळी रह्यो छे। गृहप्रधान अमित शाह मत विस्तार में करियाणानी किट नु वितरण करायु। महीनो चाले तेटली चीज वस्तुओं साथ 500 किट तैयार कराई। आ किट जरूरियातमंद घरे सीधी पहुंचाड़ाई रही है। आ पूर्वे 500 थी वधु किट नु वितरण थई चुक्यु छे। लॉकडाउन दरमियान जामनगरना एक कलाकारे अनोखी रीते समय पसार कर्यो। ग्रीन सिटी विस्तार में रहता संजय जानी थर्मोकोलनी शीट पर पेइंटिंग करवानी कला जाने छे, जेथी तेमणे शौक अने कला साथे लॉकडाउन में समय पसार कर्यो छे अने वॉटर कलर थी खास प्रकारना पेइंटिंग तैयार कर्या छे, जेमां तेमणे पशु पंखीना चित्र बनाव्या छे अने कोरोना वॉरियर्स ने घरे रहीने पोतानी कला थी सन्मानित पण तेमणे कर्या हता। મોરબીના વાંકાનેર તાલુકા પોલીસ મથકે ફરજ બજાવતા પ્રફુલ્લા પરમારે લગ્નના બીજા જ દિવસે પોતાની ફરજ પર પરત ફર્યા। પરિવારના નજીકના લોકોની હાજરીમાં જ સાદાઈથી લગ્નવિધિ પૂર્ણ કરી હતી। લગ્નના બીજા જ દિવસે ફરજ પર જોડાઈ ગયા છે। પોતાનો લગ્ન પ્રસંગ હોય તો વધુ રજા મળે તેમ હતી, પરંતુ આ કોરોના કાળમાં પોલીસની કામગીરી વધી હોવાથી પ્રફુલ્લાબાઈ સ્વેચ્છાએ એક જ રજા માંગી હતી। लॉकडाउन चौथा तबक्का की छूटछाट वच्चे वडोदरा में प्रथम लग्न योजाई गया। वर और कन्या पक्ष कुल 20 लोगों की हाजरी में लग्न विधि संपन्न कराई थी। लग्न में आवेला लोगों सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर सहित बाबत को खास ध्यान रखू। दाहोद जिला में लोगों की विचित्र मान्यता दर्शाती घटना सामने आई।
ગામમાં કોરોના વાયરસ પ્રવેશે નહીં તે માટે ગામની મહિલાઓએ 5 દિવસના નકોડા ઉપવાસ કર્યા અને ત્યારબાદ માતાની પૂજા કરી। આમ આંબાના પાન, કંકુ, પાણી અને અગરબત્તીથી માતાજીની પૂજા કરતી મહિલાઓએ કહ્યું કે આમ કરવાથી કોરોના અમારા ગામમાં નહીં પ્રવેશ કરે। અમદાવાદમાં છારા સમાજમાં એક પછી એક 6-7 લોકોના મોત થયા, ત્યારે મૃતકોના આત્માને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે છારા સમાજે એક નવતર અભિગમ અપનાવ્યો અને દરેક પરિવારના સભ્યોએ પોતાની ઘરની બહાર દીવો પ્રગટાવીને મૃતકોના આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરી હતી। અમદાવાદમાં પોલીસ પર હુમલો કરનારા પરપ્રાંતીય લોકો સાથે પોલીસે માનવતા દાખવી। સોમવારે પરપ્રાંતીય મજૂરોએ પોલીસ પર હુમલો કર્યો હતો। તેઓ વતન જવા જીદે ચડ્યા હતા અને ખૂટી ગયેલી ધીરજે તેમને હિંસક બનાવ્યા। જોકે પોલીસે તેમની સાથે લાગણીસભર વર્તન કર્યું અને શ્રમિકોને જાણીતી રેસ્ટોરન્ટમાંથી ફૂડ પેકેટ વ્યવસ્થા ગોઠવી આપી હતી।